फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेस। तो आपके सामने जो क्वेश्चन है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0 का हल निकाले। ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 2021 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया है आपके क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम में, ठीक। और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आगे भी पूछे जाएंगे, तो आप जो है क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ समीकरण के जगह पे यहाँ पे दे दिया रहेगा आपको 2x², मतलब ये चेंज रहेगा बिल्कुल, क्वेश्चन इसी प्रकार का आएगा ही आएगा, आपको प्रैक्टिस करके जाना है। तो चलिए द्विघात सूत्र की मदद से हम समीकरण को हल करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमारा समीकरण क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 इक्वल टू 0। ये हमारा दिया गया है समीकरण, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का मूल होता है। तो इसमें से यहां से हमारा a, b और c मालूम चल जाएगा कि नहीं, बिल्कुल मालूम चल जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a यानी x स्क्वायर के गुना में a होता है, तो x स्क्वायर यहाँ पे है, इसके गुना में कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक होगा, यानी a इक्वल टू 1। चलिए b का वैल्यू पता करते हैं, तो b यानी x के गुना में b, तो x यहाँ पे इसके गुना में b 12, तो b का वैल्यू 12। c यहाँ पे देखिए, c चर संख्या है, एक तो अचर संख्या है, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा ये, तो c इक्वल टू 35। तो यहां से हमारा a, b और c का वैल्यू पता चल गया। तो अब हम द्विघात सूत्र की मदद से उसका वैल्यू निकालेंगे, समीकरण को हल करेंगे। तो द्विघात सूत्र हमारा क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है हमारा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये हमारा द्विघात समीकरण का सूत्र होता है, द्विघात सूत्र की मदद से हम समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ पे जो बी ए सी का वैल्यू दिया गया है, ये वाला हमारा इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए रखते हैं x इक्वल टू माइनस बी, बी के जगह पे यानी जो हमारा बी का वैल्यू है ये रखेंगे माइनस 12 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यानी बी हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर, फिर उसके आगे हमारा माइनस 4ac, 4 गुना ए का वैल्यू 1 है तो 1 गुना सी का वैल्यू क्या 35 है तो 35, बटे में क्या हो जाएगा हमारा, तो बटे में हो जाएगा 2 गुने ए है तो ए का वैल्यू 1 है तो 2 गुने 1। चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा मान निकल के आएगा माइनस 12 प्लस माइनस रूट अंडर 12 का स्क्वायर क्या होगा, तो 12 का स्क्वायर तो 144 यानी 144 माइनस 35 में 4 में एक में जब गुना होगा तो उसको गुना करने पे हमारा आएगा 140, ठीक। बटे में हमारा क्या है 2 गुने 1, 2 एकम 2 ही होगा। फिर आगे सॉल्व कीजिए इसको, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12 प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए रूट अंडर 144 में से 40 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, रूट के अंदर 4 बचेगा, रूट के अंदर 4 बचेगा, और रूट 4 का जब वर्गमूल टूटेगा तो कितना निकलता है, रूट 4 का वर्गमूल, रूट 4 का वर्गमूल क्या होगा तो 2 होता है, तो इसके जगह पे हम 2 लिखेंगे, बटे में 2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम एक बार प्लस माइनस हमारा 2 आया, और तो एक बार हम प्लस में लेकर चलेंगे इसको, फिर एक बार माइनस में लेकर चलेंगे, ठीक। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 12, एक बार प्लस में लेकर चलते हैं तो प्लस 2 बटे 2 क्या हो जाएगा, 2 में से 12 जाएगा तो माइनस 10, बटे में 2 कटेगा तो माइनस 5 आया, एक बार प्लस को लेकर चलने पर माइनस 5 आया। अब एक बार हम इस माइनस को लेकर चलेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 12, माइनस को लेकर चल रहे हैं तो माइनस 2, बटे में 2 है तो माइनस 12 और माइनस 2 मिलकर हो जाएगा हमारा माइनस 14, बटे में 2 है तो 2 कितने बार में कटेगा, तो 7 बार में कटेगा, माइनस लगा हुआ है तो माइनस, तो एक बार प्लस को लेकर चलने पर हमारा आया माइनस 5 और माइनस को लेकर चलने पर आया हमारा माइनस 7। तो इस प्रकार जो है हमारा द्विघात सूत्र की मदद से जब हमने हल किया तो x इक्वल टू आया एक बार हमारा माइनस 5 और x इक्वल टू आया एक बार हमारा माइनस 7, ये हमारा हल निकलता है, ठीक। तो इस प्रकार जो है हम द्विघात सूत्र की मदद से समीकरण को हल करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आगे भी इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल तरीका यही है और द्विघात सूत्र हमारा यही है, आपको याद कर लेना है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे
टू ए। ठीक, ये सूत्र याद करेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन बन जाएगा। आपको एग्जाम में जो है इस क्वेश्चन के जगह पे कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा द्विघात सूत्र से समीकरण को हल कीजिए। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर वीडियो को अच्छा लगा, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।